हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसा जी के पौधे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इसमें एफिड अटैक हो रहा है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में एफिड अटैक होता है, या रेनी सीजन में एफिड अटैक होता है, जो ब्लैक ब्लैक से छोटे भुनके आपको दिखाई देते हैं प्लांट पर, तो वही एफिड अटैक होता है। या फिर पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो यही आज हम ठीक करना बताएंगे। ये एक हमारा प्लांट है जो कि पानी नहीं दिया था, तो इसमें इसीलिए ये मुरझा गया है, लेकिन अभी इसमें पानी दे दिया है तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बाकी सभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये श्यामा तुलसा जी हैं, जो काली वाली तुलसा जी होती हैं, तो ये भी प्लास्टिक के पॉट में भी लगी हुई हैं, मिट्टी के पॉट में भी लगी हुई हैं, वेस्ट पॉट में भी लगी हुई हैं। और ये जो ग्रीन वाली हैं, ये बद्री तुलसा जी हैं, तो इन पर हम वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। छोटे पॉट में भी है, बड़े पॉट में भी है। ये शहतूत खुद ग्रो हो गया है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, नहीं तो ये पूरे पॉट में इसकी रूट्स फैल जाएंगी, तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तुलसी का। तो इसमें जो एफिड अटैक है, जो ब्लैक कलर के आपको भुन के दिखाई देते हैं, अगर आप उसको शुरू में कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है आपका प्लांट। जैसे कि हमारे प्लांट में अभी शुरुआत है, और आप देख सकते हैं एक लीफ पर आपको छोटे छोटे ब्लैक इंसेक्ट दिखाई देंगे, तो यही वो छोटे छोटे भुन के होते हैं जो हमारी तुलसा प्लांट को बेकार करते हैं ज़्यादातर। तो अभी ये कम है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। बस हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है सबकी, कि हम शुरू में उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, और बाद में जब वो पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो अगर ये काम आप शुरू में कर लें तो ऐसा कोई परेशानी आगे जाकर आएगी ही नहीं। तो शुरू में ही जो भी आपको लीफ इसकी इन्फेक्टेड दिखाई दे, उसको तुरंत कट कर दीजिए। इससे आपका प्लांट बेकार नहीं होगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पिंच भी कर दें तो उससे न्यू ग्रोथ होगी, और वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें तो न्यू ग्रोथ होती ही है। तो गर्मियों में, रेनी सीजन में आप बड़े आराम से इसकी जो पत्तियां हैं इनको हटा दीजिए, और जो सर्दियों का टाइम होता है वो इनका डोरमेंट पीरियड होता है, उस समय ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं करती हैं। तो उस पर वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं सर्दियों में कैसे देखभाल करनी है। तो अभी आपको जो मेन काम करना है वो सभी इन्फेक्टेड लीव्स हटा देनी है, जो भी भून के उस पर हैं, एफिड अटैक जो भी हो रखा है वो सबको हटा दीजिए, बिना सोचे समझे कर्ली लीव्स हटा दीजिए। और जो ये फूल आने वाला है इस पर, जो मंजरी कहलाती है, उसको भी हटा दीजिए। अगर आप प्लांट पे सीड बनने देंगे तो फिर प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वहीं उसकी बढ़भार रुक जाएगी और वो भोजन बनाने में लग जाएगा, सीड बनाने में लग जाएगा। तो अगर आपको किसी प्लांट पे सीड्स बनाने हैं कि आगे आपके पास पौधे हमेशा रहें, तो आप किसी एक प्लांट पर सीड बनाने के लिए रख सकते हैं। तो हमने जितनी भी इन्फेक्टेड लीव्स थी उनको ऊपर टिप्पर से बिल्कुल कट कर दिया है। और हाँ, अगर प्लांट ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है, तो आप उसको ट्रिम कर दीजिए अच्छे से, परेशानी की कोई बात नहीं है, प्लांट में न्यू ग्रोथ हो जाएगी। तो पूरे प्लांट को अच्छे से ट्रिम कर दीजिए जहाँ जहाँ भी अटैक ज़्यादा है। और फिर इसमें हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलसा जी का पौधा है। हम चाय वगैरह में भी इसकी पत्तियाँ डाल लेते हैं और काढ़ा भी बना लेते हैं, तो कुछ भी आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड इसमें या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से ये हमने टिप पर से हल्का हल्का पिंच कर दिया है, तो यहाँ से न्यू ग्रोथ होगी और प्लांट और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो अब हम पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करें? तो जो मट्ठा होता है उसको आप 5 गुना पानी में मिलाकर हल्का हल्का स्प्रे करिए। साफ मट्ठा होना चाहिए, तो उसको आप हल्का हल्का स्प्रे करिए, और ये काम आपको शाम को करना है। और अटैक ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर से भी, साधारण पानी से भी आप उसको वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप जो मट्ठा होता है उसका प्रयोग करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो ब्लैक एफिड्स होते हैं, ये कम से कम 2 से 3 बार अगर आप रोज़ शाम को ये काम करेंगे तो वो तुरंत हट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मिट्टी का पॉट भी है, थर्मो पॉट भी है, छोटा पॉट भी है, बड़ा पॉट भी है, और ये प्लास्टिक का पॉट भी है इधर, और एक वेस्ट पॉट जो कि अडेनियम का था, हमने आपसे पहले शेयर किया था, वो टूटा हुआ पॉट था, तो उसमें भी हमने तुलसा जी लगा दिए हैं। तो देखिए, ये वो पॉट है, इसमें भी लगी हुई है तुलसा जी। तो इस तरह से आप किसी भी पॉट में तुलसा जी लगा सकते हैं। और कर्ली लीव्स है, एफिड अटैक है, तो उसको इस तरह से पहले लीव्स हटा दीजिए इन्फेक्टेड, और फिर उसको आप नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं, और ज़्यादा अगर ख़राब है प्लांट तो आप मट्ठे के पानी से उसको वॉश कर सकते हैं। ये एक बेजिल का प्लांट है जिसकी चटनी भी बनाई जाती है, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है, तो इसको हमने ऐसे ही लगा दिया है, और बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें भी हो रही है। तो कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।